अभी मैं विपक्ष के नेता को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को का कद्र कीजिए, जनता चुनाव चाहती है। यदि लोकतंत्र का आपने कद्र किया होता तो जम्मू कश्मीर की फिजा आज ये नहीं होती जो आज है, जम्मू कश्मीर की फिजा बदल गई होती। 1952 से लेकर 1977 तक जितने चुनाव हुए, आप चुनाव का इतिहास देख जाइए, वे चुनाव, उन चुनावों में नई दिल्ली अपनी कठपुतली मुख्यमंत्री बनाती थी और बिगाड़ती थी। 1982 में फारूक अब्दुल्ला साहब को क्यों हटाया गया ये कारण आप बता दीजिए, और फिर 1987 में उनको कैसे लाया गया यह भी देख लीजिए। तो 82 और 87 के बीच में 5 साल के अंतर में लोकतंत्र के साथ जो कांग्रेस पार्टी ने अपनी सत्ता के दौरान किया वह कश्मीर के लिए अच्छा नहीं था। एक और मुद्दा उठा, जम्मू और कश्मीर को मत बांटिए। जो लोग जम्मू कश्मीर का इतिहास जानते हैं वो इस बात को भली भांति जानते हैं, और इस समय संविधान सभा की वो बहस प्रासंगिक हो गया जिसको मैं उद्धृत आज नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने कहा जम्मू कश्मीर को मत बांटिए। संविधान सभा की चर्चा के दौरान जब गोपाल स्वामी अहंगर जो कश्मीर के इंचार्ज थे, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं जिसको अमित भाई ने लोकसभा में जोरदार ढंग से रखकर देश के सामने उन बातों को रखा कि कश्मीर की वर्तमान स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है और क्यों हम इस स्थिति में हैं। मैं बिना दोहराए एक प्रसंग देना चाहता हूं, जब बार बार कश्मीर की चर्चा हो रही थी और संविधान सभा में 4 लोगों को मनोनीत करना था तो लक्ष्मीकांता जी उठी और उन्होंने पूछा कि कश्मीर का मतलब क्या होता है, क्या कश्मीर का मतलब घाटी होता है या जम्मू कश्मीर होता है, कश्मीर का मतलब जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों होता है या सिर्फ कश्मीर घाटी होती है। और लक्ष्मीकांता जी के हस्तक्षेप के बाद राजकुमारी अमृत कौर, नजीमुद्दीन अहमद, इन तीनों लोग खड़े हो गए और कहा कि कश्मीर के मतलब को स्पष्ट करना पड़ेगा। उस समय भी हिचकिचाहट थी, अंत में कहना पड़ा कि जम्मू कश्मीर होता है और जम्मू कश्मीर से 4 लोगों को मनोनीत किया जाएगा। लेकिन जिन 4 लोगों को मनोनीत किया गया उसमें एक मोती राम जी को छोड़कर बाकी 3 लोग कौन थे? शेख अब्दुल्ला साहब, मौलाना मोहम्मद मसूदी साहब और तीसरे अफजल बेग साहब, 3 घाटी से थे। कहां गया जम्मू, कहां गया लद्दाख? इतिहास यहीं से शुरू नहीं होता है। लोकतंत्र देश के लिए एक ऐसी मर्यादित ढंग से 1952 से शुरू हुआ कि पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही थी। औपनिवेशिक दास्ता से मुक्त होने के बाद भारत एकमात्र ऐसा देश था जो मास डेमोक्रेसी के साथ कदम बढ़ा रहा था। हम श्रेय देते हैं उस समय के नेताओं को, चाहे वो जिस पार्टी के भी थे, लेकिन क्या हुआ? जम्मू का क्षेत्रफल क्या है? 12,300 स्क्वायर माइल है। कश्मीर का क्षेत्रफल क्या है? 8,000 स्क्वायर माइल से कुछ अधिक है। लद्दाख का क्षेत्रफल क्या है? 33,000 स्क्वायर माइल है। जनसंख्या देखिए, कश्मीर की जनसंख्या 53,50,000 है, जम्मू की जनसंख्या 69 लाख है और लद्दाख की जनसंख्या 2,90,000 है। लेकिन कश्मीर के पास लोकसभा की कितनी सीटें हैं, विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 4 लोकसभा की और 46 विधानसभा की। जम्मू के पास कितनी सीटें हैं? 37 विधानसभा की। लद्दाख की आबादी कम है, इसलिए मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। तो कम से कम यह इल्जाम मत लगाइए कि जम्मू कश्मीर को हम बांट रहे हैं। हम पूरे जम्मू कश्मीर को सर्वसमावेशी एक राज्य के रूप में, एक इकाई के रूप में देखते हैं। वन पीपुल वन नेशन के अवधारणा के साथ हम चलते हैं, हम देश में विभाजन की बात नहीं करते। एक और घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूं। जब जम्मू कश्मीर का संविधान बना
संविधान एडॉप्ट कर लिया गया। उस संविधान में साफ तौर पर लिखा गया, उस संविधान में जो पहला संशोधन हुआ कि इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, यह भारत का अक्षुण्ण हिस्सा है और रहेगा, उसको हम जोड़ते हैं। जब 47 में वो घटनाएं घट रही थी और आज हम 2019 में हैं, जब अमित भाई वो प्रस्ताव लेकर आए हैं, वो संकल्प लेकर आए हैं, जब माननीय गृह मंत्री जी वह संकल्प लेकर आए हैं, जिस परिस्थिति में आज हैं, मैं तीन घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूं। एक रोशनी एक्ट राज्यपाल महोदय ने समाप्त किया। रोशनी एक्ट में सोचता था क्या था, ऐसा कौन सा काम रोशनी एक्ट ने किया जिसको राज्यपाल महोदय ने समाप्त कर दिया। वास्तव में कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जो सरकारी जमीन पर जिन लोगों का कब्जा था, एक अच्छे इंटेंशन से, एक अच्छे नियत से एक कानून बनाया गया कि जिन लोगों का कब्जा है वो बाजार के रेट से उसका पेमेंट कर दें, वो जमीन उनकी हो जाएगी। नियत अच्छी थी, अनुमान था कि 25,000 करोड़ रुपया सरकार को मिलेगा। 25,000 करोड़ में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा जो जम्मू कश्मीर रोशनी देगी, इसलिए उसका रोशनी एक्ट नाम था। लेकिन 1990 को कट ऑफ माना गया, बाद में मुफ्ती साहब ने 2005 कर दिया। हमारे सम्मानित सदस्य माननीय गुलाम नबी आजाद जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 2007 कर दिया। क्या मिला? 76 करोड़ रुपया मिला। 25,000 करोड़ का मैं 76 करोड़ का डिसम्बल में निकालने लगा, इतने जीरो आ गए कि मैं काउंट नहीं कर पाया, मैं छोड़ दिया। राज्यपाल ने उसे समाप्त कर दिया। औने पौने के दाम पर सरकारी जमीनों को, एग्रीकल्चर जमीनों को अपना हित साधने के लिए लोगों में बांटने का जो यह बंदरबांट है, यदि उस बंदरबांट से सामान्य कश्मीरी, चाहे धर्म क्या है, जाति क्या है, संप्रदाय क्या है, यह कश्मीरियत की परिभाषा ही नहीं है। जो लोग बार बार कश्मीरियत की परिभाषा देते हैं, वो बता दें कि आचार्य अभिनव गुप्त उस कश्मीरियत की परिभाषा में है या नहीं। राज तरंगनी के लेखक कल्हण, जिन्हें दुनिया पढ़ती है, ढूंढती है कहां के लेखक थे, वो कल्हण कश्मीर के टेक्स्ट बुक में, जम्मू कश्मीर के टेक्स्ट बुक में कहीं है? तो कश्मीरियत की परिभाषा सिर्फ पॉलिटिकल पीपल के आधार पर नहीं, कश्मीर के लोग कल्चरल पीपल हैं, कश्मीर के लोग इकोनॉमिक पीपल भी हैं, उनको विकास भी चाहिए, संस्कृति भी चाहिए, लोकतंत्र भी चाहिए। मैं जिस बात का जिक्र करना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस सरकार ने 80,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट पैकेज दिया है, उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से 8,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया गया। लद्दाख को एक अलग डिवीजन बना दिया गया, वहां शैक्षणिक संस्थाएं खुलनी शुरू हो गई। लेकिन जम्मू कश्मीर के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का भी एक संविधान है। उस संविधान के आईने में हम बात करें, यदि हम आरोपों प्रत्यारोपों में इतिहास उलझते रहेंगे तो संभवतः हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। पूरी दुनिया में कश्मीर के मुद्दे को ऐसा प्रस्तुत कर दिया गया जैसे कोई फिलिस्तीन का मुद्दा है। दो जिलों के आतंकवाद को 54,000 माइल के क्षेत्रफल के को कटघरे में खड़ा कर दिया। इतनी बड़ी आबादी को, मुट्ठी भर लोग जो कि पाकिस्तान से आया थी आतंकवाद के आधार पर, जम्मू कश्मीर की फिजा को बदलना चाहते हैं, उसके आधार पर आप उसे कटघरे में खड़ा कर। मैंने जो कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग सांस्कृतिक लोग भी हैं, सामाजिक प्राणी भी है, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। महाभारत में हमने एक लव्य का नाम तो सुना है और हम एकलव्य को, एकलव्य की महानता को
और एकलव्य के साथ जो घटना घटी उसे समाज स्वीकार नहीं करता। हम मानकर चलते हैं कि आधुनिक भारत में कोई एकलव्य की घटना नहीं होगी, लेकिन 3 मई 1919 का ट्रिब्यून पढ़ लीजिए, देश के अन्य अखबारों में ही आया, ये एकलव्य कौन है? वाल्मीकि समाज का वह बेटा, उसकी उम्र जो भी हो मैं उसे अपना बेटा मानता हूं। मैं जानता हूं कि समाज में पिछड़े हुए लोग, कहना बहुत आसान होता है कि हम आपको विकास देंगे, हर पग पग पर वो संघर्ष करते हैं। संघर्ष सिर्फ आर्थिक नहीं होता है, संघर्ष सामाजिक होता है। एक पग बढ़ाते हैं 10 कठिनाइयां आती हैं। वह एकलव्य राजनीतिक विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, अच्छे मार्क्स आते हैं, नौकरी के लिए जाता है तो उसे एक कानून का चिट्ठा मिलता है, तुम सिर्फ सफाई कर्मचारी का ही काम जम्मू कश्मीर में कर सकते हो, तुम्हें दूसरी नौकरी नहीं मिली। सभापति महोदय, यह मुद्दा हम सबके लिए है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैंने कहा जम्मू कश्मीर के संविधान में लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की बात कही गई है। मैं उसी संविधान के इक्वलिटी की बात करता हूं जब उसमें कहा गया डिग्निटी टू द एवरी इंडिविजुअल। क्या उस व्यक्ति में राधिका गिल आती है? राधिका एथलेटिक्स में मेडल्स पर मेडल ला रही है, वह भी संयोग से वाल्मीकि समाज की एक बेटी है। अपनी कर्मठता से, व्यक्तित्व से, अपने कर्तृत्व से राधिका पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक प्रतिमान बन गई है। गरीब परिवार की, दलित परिवार की एक बच्ची उस स्थिति में पहुंचती है और राधिका को क्या मिलता है? राधिका बीएसएफ ज्वाइन करना चाहती है लेकिन उसको अनुमति नहीं मिलती है कि वो सिर्फ सफाई कर्मचारी हो सकती है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की स्थिति को जो आपने बनाकर रखा है, जिसमें एकलव्य और राधिका आज भी अपनी डिग्निटी के लिए भटक रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप में कितना बदलाव हुआ उसका एक कारण मैं एक उदाहरण देता हूं, समय कम है। 1964 में लोकसभा में प्रकाशवीर शास्त्री जो बिजनौर से सांसद थे, एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया आर्टिकल 370 पर, बहस हुई, बहस में जिन 28 लोगों ने भागीदारी दिखाई, कौन थे जिन्होंने भागीदारी दिखाते हुए कहा इस आर्टिकल को जाना चाहिए, जितनी जल्दी जाए उतना अच्छा होगा, इसी बिल के आधार पर जाए? राम मनोहर लोहिया थे, मधु निमय थे, कम्युनिस्ट पार्टी के सरोज पांडे थे, एचवी कामत थे, इतना नहीं कांग्रेस के एमएस एने थे, जिनका हाल में निधन हुआ एक बड़े पत्रकार और अच्छे सांसद इंदर मल्होत्रा जी थे, कांग्रेस के 7 सांसद बोले, जम्मू कश्मीर के 5 प्रतिनिधि बोले, सबने कहा आर्टिकल 370 जाना चाहिए। उस समय के गृह मंत्री जी ने कहा, व्हिप जारी किया और वोटिंग में तो बिल हारना ही था, प्राइवेट मेंबर बिल, और व्हिप जारी करके गृह मंत्री ने आश्वासन दिया हम इसको और भी अच्छे रूप में लाएंगे, हम आपकी भावनाओं से सहमत। कांग्रेस की वह सहमति क्यों असहमति में बदल गई? जिस आर्टिकल 370 को इंट्रीम शब्द का प्रयोग हुआ संविधान सभा में, वो रातों रात टेम्प्रोरी बन गया। अब टेम्प्रोरी बनाने के बाद 2010 में जब आपने इंटरलॉक्यूटर्स नियुक्त किया था 3 लोगों की सदस्य, उन 3 लोगों ने क्या उसको कर दिया? कहा इसको स्पेशल दे दो, टेम्प्रोरी हटा के स्पेशल दे दो। यह जो जम्मू कश्मीर की यात्रा है, वह यात्रा इस देश को स्वीकार्य नहीं है। जम्मू कश्मीर कैसे बदल रहा है, 2 उदाहरण देकर मैं अपनी इस बात समाप्त करना चाहता हूं। सभापति महोदय, 44 दिनों तक जेल में रहने के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का की शहादत हुई। जब वो जेल में गए थे, उसके पहले भारत नेहरू जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे,
अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया, अपनी भूमि पर गिरफ्तार करके उनको जेल में भेजा गया। उनकी सिर्फ मांग यह थी, कोई मांग अचानक नहीं उठी थी। जनसंघ ने दिसंबर 1952 में कानपुर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया कि हम 7 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल नेहरू जी से मिलने भेजेंगे। नेहरू जी ने समय नहीं दिया, देश में आंदोलन छिड़ा, वो कश्मीर गए, गिरफ्तार हुए, उनका निधन हुआ। शहादत हुई और उस शहादत से लेकर आज तक हम जम्मू कश्मीर के मामले में उतार चढ़ाव कर रहे हैं। कांग्रेस को लगता है कि 370 और 35A को रखकर वाल्मीकि समाज के 2.5 लाख लोगों के साथ न्याय कर रहे हैं। 1957 में 250 सफाई कर्मचारियों को लाया गया था पंजाब से इस शर्त पर कि आपको नागरिकता दी जाएगी। वो 2.5 लाख हो गए, उन पर लिखा हुआ जिस शब्द का प्रयोग किया गया है उस शब्द का मैं प्रयोग सदन में करना सदन की मर्यादा के प्रतिकूल मानता, उनको वही काम करना पड़ेगा। वो शब्द मैं अपने आप को वापस लेता हूं, आप समझ जाइए उनके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है जिसे अब संविधान के तहत अमर्यादित माना जाता है उसका प्रयोग। तो यदि जम्मू कश्मीर को बदलना चाहते हैं तो आपको राजनीतिक चश्मे से उसे देखना बंद करना पड़ेगा। तीन बातों को रेखांकित करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं एक मिनट में। गृह मंत्री जी ने जो बिल लाया 3% रिजर्वेशन का, सभापति महोदय 457 गांव हैं, 4,50,000 की का पॉपुलेशन एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर रहता है, 1.5 लाख का पॉपुलेशन एलओसी में रहता है, शेष पॉपुलेशन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में रहता है। मैं ऐसे 5 बच्चों को जानता हूं जो पिछले 10 साल में अनाथ हो गए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, उनको कोई सहारा देने वाला नहीं। कहां गई आपकी मानवीयता? मैं आपके नियत पर सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि आपने क्यों नहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा को शामिल किया। मैं उसका कारण स्वयं नहीं बताना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि आरोप प्रत्यारोप में जाऊं। आप जाइए री एग्जामिन कीजिए कि आपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गांवों को क्यों छोड़ा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब 3% का आरक्षण को दिया जा रहा है और आरक्षण के दायरे में दोनों समुदाय दोनों क्षेत्रों को रखा जा रहा है, तो इतिहास में आपने जो गलती सो की, अभी जब राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने की बात कही जा रही है और आप कह रहे हैं कि हम डर रहे हैं, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। 1977 में मोरारजी भाई देसाई की सरकार बनी, पहली बार स्वतंत्र चुनाव, 2004 में अटल जी के दौरान पहली बार चुनाव हुआ स्वतंत्र, और 2014 में पहली बार स्वतंत्र चुनाव हुआ। आपने तो प्रजा परिषद के प्रेमनाथ डोगरा जी का संगठन था, उसके 41 सदस्यों का नामांकन, जिसने 65 सदस्यों ने नामांकन दिया था 1952 के चुनाव में, 41 का नामांकन रद्द कर दिया था, कारण नहीं बताए। जो डिलिमिटेशन किया, ये अंतिम मैं रेखांकित कर रहा था, अंतिम बात जो उसमें डिलिमिटेशन किया, सिटी जम्मू से किन चीजों को किन भागों को क्यों हटाया, आप देखिए डिलिमिटेशन। माननीय राकेश जी, पार्टी के द्वारा जो समय मिला था, आप सिर्फ एक मिनट, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मैं इतना ही। यहां की घड़ी थोड़ी फर्क, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो डिलिमिटेशन आपने किया था 1952 में, और दिल्ली में आकर प्रेमनाथ डोगरा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि डिलिमिटेशन में कौन कौन क्षेत्रों को क्यों निकाला गया, फिर मैं उसके कारण में नहीं जाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि सदन में डिस्कोर्स हिंदू मुस्लिम डिस्कोर्स बने। जिन्होंने बाहर गलती की उस गलती को मैं सदन के भीतर नहीं लाना चाहता हूं। आपने ध्रुवीकरण की राजनीति की, शेख अब्दुल्ला को आपने सर पे बैठाया और जम्मू कश्मीर की स्थिति को आपने बिगाड़ा। इन्होंने पाप किया है। 1946 में नेहरू जी शेख अब्दुल्ला के लिए गए थे, उनको डिटेन किया गया, लेकिन जब 24 मई 1953 को नेहरू जी और तत्कालीन गृह मंत्री काटजू जी श्रीनगर गए तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जेल के भीतर थे। हालचाल तक नहीं पूछा दोनों नेताओं ने। मुझे खुशी है कि गृह मंत्री जी ने अप्रत्यक्ष रूप से लोकसभा में कहा कि जरूरत पड़ी तो जांच होगी। जो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको कांग्रेस को री एग्जामिन करना पड़ेगा कि इतिहास में कश्मीर के बारे में जब बहस होगी तो जवाहरलाल नेहरू बनाम प्रोफेसर केटी शाह की बहस को आपको देखना पड़ेगा।
संविधान सभा में केटी शाह ने नेहरू जी से कहा था कि मैं 15 साल रहा और जम्मू कश्मीर के मामले में मेरे योगदान को आप भूल नहीं सकते हैं। जब केटी शाह जी ने कहा तो उन्होंने कहा कि संविधान सभा के प्रजा परिषद का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो नेहरू जी कहते हैं इफ यू नो एनीथिंग अबाउट कश्मीर देन यू मस्ट बी नोइंग दैट दिस इज द मोस्ट बोगस बॉडी। जिस प्रजा परिषद में प्रेमनाथ डोगरा जी के संगठन में हजारों हजारों मुसलमान थे, उसी तरह से जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बना 1931 में शेख अब्दुल्ला में से बनाया, 1934 में उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम दिया, उसमें क्या था? जो लोग देश की एकता की बात करें, जो जम्मू कश्मीर को भारत को एक माने वे सांप्रदायिक हैं, जो जम्मू कश्मीर में ध्रुवीकरण की राजनीति करके पाकिस्तान के को चांदी की तस्तरी में परोस कर पीओ को दे आए वे तो बड़े प्रगतिशील हैं। आपकी प्रगतिशीलता आपको मुबारक हो। हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता, हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता, हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता माफ नहीं करने वाली है। गृह मंत्री का पैर जम्मू कश्मीर में पड़ा, गृह मंत्री का पैर जम्मू कश्मीर में पड़ा। आपको मैं बता दूं ये सरदार पटेल 2 जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। कश्मीर के आतंकवाद का समर्थन करने वाले आतंकवाद का समर्थन करने वालों को आप कश्मीर की धरती पर कोई ठिकाना नहीं है। अपना अपना बोरिया बिस्तर बांधे एक होकर जम्मू कश्मीर को अपना आपकी पार्टी ने दिया उसी के तहत मैं कह रहा हूँ। माननीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी, आपने उस दिन रूलिंग दी थी, पहले भी एक सदस्य ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जो ऐतिहासिक तथ्य नहीं थे कुछ बातें कही। मैं चेयर से बात कर रहा हूं, देखिए आपने उसको निकाला था, या तो माननीय सदस्य पहले नोटिस देते। ये कह रहे पूर्व प्रधानमंत्री जो पहले प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के थे वो तश्तरी पे देके आ गए। आप इसको देखिए रिकॉर्ड को, एग्जामिन कराएंगे, स्वीकार नहीं कर सकते, एग्जामिन कराएंगे, स्वीकार कर सकते, इसको हम एग्जामिन कराएंगे। प्रोफेसर आप तुमको मालूम था ना भारत सेना में। उपसभापति महोदय, मैं इनकी संवेदना समझ सकता हूं, परंतु मैंने ध्यान से सदस्य जी का श्री का भाषण सुना है। उन्होंने चांदी की तस्करी में देकर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर दे दिया, इसके साथ जवाहरलाल जी का नाम नहीं जोड़ा है। आप भी मत जोड़िए।